शॉर्ट ट्रिक टू लर्न इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, तो शॉर्ट में ये है फॉर मोर न्यूट्रलिटी, अगर हमें ज्यादा न्यूट्रलिटी चाहिए तो लेस चार्ज होना चाहिए, और अगर लेस चार्ज होगा तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो मोर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल की स्टडी करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ये एक तरीके से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक है जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इस प्रिंसिपल से IIT जैम, नेट, गेट इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन की, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये प्रिंसिपल है क्या, बट उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये जो प्रिंसिपल है हमें पॉली साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, पॉली प्रिंसिपल है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और ये हमें दिया था उन्होंने 1948 में, इस प्रिंसिपल को उन्होंने दिया था। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ट्राई टू अचीव इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी मेटल आयन होगा, ठीक है, तो वो तब तक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जब तक कि वो न्यूट्रल ना हो जाए, तब तक वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता रहता है। ये प्रिंसिपल हमें पॉली साइंटिस्ट ने दिया था जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे निकल 2+ है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल आयन है, ठीक है, ये तब तक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता रहता है जब तक कि ये बिल्कुल न्यूट्रल ना हो जाए। पहले ये Ni2+ में था, फिर ये Ni+1 होगा और एक स्टेज आएगी जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और उस पर जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा या फिर अप्रोक्स जीरो हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और इस प्रिंसिपल की खास बात यह है कि सिर्फ ट्रांजिशनल मेटल आयन पर ही अप्लाई होता है, नॉन ट्रांजिशनल मेटल आयन के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि बात जो हो रही है वो चार्जेस की हो रही है, यहाँ पे निकल पर 2+ चार्ज था और इसने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया होगा जिससे निकल पर 0 चार्ज हो गया और ये न्यूट्रलिटी मिल गई इसको, या फिर ये न्यूट्रल हो गया है। तो मीन्स जब तक ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता रहेगा तब तक इसके कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ते रहेंगे जब तक ये न्यूट्रल ना हो जाए, जैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं, और एक हमारे पास होता है रियल चार्ज, ठीक है। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और व्हाट इज रियल चार्ज, और इसका हमारे न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से ऑक्सीडेशन स्टेट वर्सेस रियल चार्ज, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉन्सेप्ट है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मीन्स हम ऐसा मानते हैं कि ऐसे ऐसे चार्जेस इस पे जो मेटल आयन है उस पे होता है, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जबकि जो रियल चार्ज है ये एक रियल कॉन्सेप्ट है और ये एक्सपेरिमेंटल थ्रू हमें पता चलता है कि किस मेटल आयन पर कितना चार्ज है। फॉर अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 का होल 6, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3+, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें फाइंड करनी आती है, इसको हम x मान लेंगे, ये न्यूट्रल होता है, x+0 × 6 = +3। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोबाल्ट है ये है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है वो +3 निकली है, बट अगर हम इसका रियल चार्ज देखें तो इस पे जो रियल चार्ज होता है वो 0 होता है, कोबाल्ट पे रियल चार्ज 0 होता है। जब कोबाल्ट पर रियल चार्ज 0 हो जाता है तभी तो इसने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स बनाया है, अगर इस पे 0 चार्ज नहीं होता या तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम का कॉम्प्लेक्स बनाता या फिर उससे ज्यादा का बनाता, बट इस पे न्यूट्रलिटी आ गई है, ये अप्रोक्स 0 हो गया है, या फिर इस पे तो हमें रियल चार्ज पता ही है 0 हो गया है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारे पास 6 है, और जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बता रही है +3 है। तो इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है कि जो मेटल आयन है या फिर ट्रांजिशनल मेटल आयन है वो तब तक ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है जब तक कि वो न्यूट्रल ना हो जाए, ठीक है।
इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। और ये जो रियल चार्ज जीरो कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंटल थ्रू पता चलता है, इसको हम किसी कैलकुलेशन से नहीं बता सकते हैं कि किस पर कितना रियल। यहाँ पर जो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अभी हमने बताया कि ये हमारे सेंट्रल एटम पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो रियल चार्ज जब हमने निकाला था वो हमारा जीरो आया था। तो आखिर ये प्लस थ्री चार्ज कहाँ है? तो साइंटिस्ट पार्ली ने ये बताया कि यहाँ पे जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, यहाँ पर NH3 आ जाएगा और यहाँ पर इस टाइप से 6 जगह हमारा NH3 अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारे पास, प्लस थ्री है, और लिगेंड्स कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पर हमारे पास 1/2, तो सब पर प्लस 1/2, सभी लिगेंड्स पर प्लस 1/2 चार्ज होगा। इस टाइप से उन्हें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास मेटल आयन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल हो गया है, इसलिए उसने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। हमें रियल चार्ज को और अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई मेटल है और इससे कुछ लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है। और मान लेते हैं एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 6 है। इस टाइप से हमारे पास ये 3 क्या दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं। और अगर हम इनका रैंडमली कोई भी चार्ज मान लेते हैं, रियल चार्ज मान लेते हैं, मान लेते हैं इस पे हमारे पास 0 चार्ज है, इस पे हमारे पास प्लस 2.3 है और इस पे हम मान लेते हैं माइनस 0.8 है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, वो ये कहता है कि जिस पे जितना कम चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये जीरो है, इसका चार्ज जो है जीरो है, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल है। अगर ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल है तो ये मोर स्टेबल होगा। यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल जितना कम चार्ज होगा, जितना कम रियल चार्ज होगा, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि सबको पता है कि जो स्पेसेस होती है, जो आयंस होते हैं, वो कभी भी पसंद नहीं करते हैं कि उन पर चार्ज हो, क्योंकि अगर उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा तो वो हमेशा अनस्टेबल रहते हैं और स्टेबिलिटी की ओर। तो यहाँ पर हमने ये समझा ऑक्सीडेशन स्टेट और रियल चार्ज से ये समझा है कि आखिर इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या है। अब हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक में अगर हम इसको लर्न करने की कोशिश करें तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, फॉर मोर न्यूट्रलिटी। अगर हमें ज्यादा न्यूट्रलिटी चाहिए है तो क्या होना चाहिए, लेस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। लेस चार्ज होगा तो मोर न्यूट्रलिटी होगी, और अगर लेस चार्ज होगा तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से समराइज कर दिया है हमने इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को। मोर न्यूट्रलिटी चाहिए तो लेस चार्ज चाहिए होगा, और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा। Now we are going to discuss about application of electro neutrality principle. तो अब हम ये देखते हैं, हमें principle तो समझ में आ गया है क्या है, अब इसके applications देखते हैं कि